हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी विद्यार्थी क्लासेज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रश्न पसंद आ रहा होगा और आप भी मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रिवाइज करने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसके आप रिस्पॉन्स करें, जो नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करें, लर्न करें। इसी तरह से ढेर सारे फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। और वीडियो को बच्चों क्लास में पहले ही आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बहुत से बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पोएटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक प्ले बाई टी एस एलियट। देखेंगे टी एस एलियट से संबंधित ही प्रश्न मिल रहा है और यहाँ पर हम सभी को देखना होगा कि टी एस एलियट कहाँ कहाँ पे प्रिस्क्राइब हैं। तो टी जी टी पी जी टी की हम सभी बात करें तो पी जी टी में टी एस एलियट को प्रिस्क्राइब किया गया है। एल टी ग्रेड के सिलेबस में टी एस एलियट का वेस्टलैंड दिया गया है और फिर जी आई सी वगैरह नेट वगैरह के लिए तो टी एस एलियट इम्पॉर्टेंट ही है। एन वी एस के वी एस डी एस एस भी देयर आर मेनी एग्ज़ाम्स। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो होने वाले हैं। तो आज आपके लिटरेचर की क्लास नंबर 13 है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, स्वीट एगोनिस्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मर्डर इन कैथेड्रल, और तीसरा है द फैमिली रियूनियन, और चौथा ऑप्शन है हॉलोमैन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक प्ले नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं टी एस एलियट से संबंधित कि कौन सा पोएटिक प्ले है, कौन सा पोएटिक प्ले नहीं है। बताएंगे स्वीट एगोनिस्ट की अगर हम सभी बात करें तो स्वीट एगोनिस्ट पोएटिक प्ले है, मर्डर इन कैथेड्रल भी पोएटिक प्ले है, द फैमिली रियूनियन भी पोएटिक प्ले है, हॉलो मैन पोएटिक प्ले नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में यही पूछा ही है तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलो मैन। ठीक है, अब चलते हैं सारे ऑप्शन को और भी डिटेल में जानते हैं। तो हॉलो मैन 1925 में इसको पोयम है ये लिखा गया था। ठीक है, इसको पब्लिश भी किया गया था 1925 में हॉलो मैन, और ये वर्साय की संधि पर आधारित है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में की गई थी, जिसमें जर्मनी को बहुत सारा जुर्माना देना पड़ा था। तो वर्साय की संधि पर ही आधारित है। ठीक है, और भी बात करें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स में ये डिवाइड पोयम है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लें। और इसमें टोटल लाइंस की बात करें फ्रेंड्स तो 98 लाइंस इसमें दिए गए हैं हॉलो मैन में। ठीक ना, चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। अब एक और है स्वीट एगोनिस्ट ऑप्शन है, तो ये पोएटिक प्ले है और इसको 1926 और 1927 में दो सीन में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। बाद में 1933 में इसको इकट्ठा करके और एक टाइटल जो इसका फुल टाइटल है इसको नोट कर सकते हैं स्वीनी। ठीक है, यहाँ पर स्वीनी है एगोनिस्ट, इसका फुल टाइटल है स्वीनी एगोनिस्ट, और फ्रेगमेंट्स ऑफ एन अरिस्टोफेनिक मोलोड्रामा। अरिस्टोफेनिक मेलो ड्रामा ये इसका फुल टाइटल है, आप एक बार सुन सकते हैं स्वीनी एगोनिस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ एन अरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा। ठीक है, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था टाइटल बना करके 1933 में। ठीक है, अगला ऑप्शन है मर्डर इन कैथेड्रल, तो इसको ध्यान रखें कि मर्डर इन कैथेड्रल जो है ये पहली बार 15 जून 1935 को परफॉर्म किया गया था। ठीक है, और ये वर्स ड्रामा है
फिर देखेंगे इसमें एक कोरस है, ठीक है। तो कोरस इसमें दिया गया है, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। कोरस इज द की पॉइंट और की पार्ट ऑफ द ड्रामा, ठीक है। इसको आई होप आपने समझ लिया होगा। और ये थॉमस बेकेट के मर्डर पर एसेसिनेशन पर आधारित है, जिनकी हत्या 1170 ईस्वी में हेनरी सेकेंड के समय में हो गई थी, जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आर्क बिशप थे थॉमस बेकेट, इनकी हत्या हुई थी और इसी पर जो है मर्डर इन द कैथेड्रल जो है बेस्ड है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए फैमिली रियूनियन के बारे में। तो ये टू एक्ट प्ले है ये फैमिली रियूनियन। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसको पहली बार परफॉर्म यानी फर्स्ट परफॉर्म्ड 21 मार्च को 1939 को वेस्टमिंस्टर थिएटर में ये पहली बार परफॉर्म किया गया, वेस्टमिंस्टर थिएटर, ठीक है, में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ, अगर आपने मेरे क्लासेज को कंटिन्यू किया होगा तो आपको एक न एक क्वेश्चन आपको चार्ल्स डिकेंस से हर क्लासेज में जो है देने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपको चार्ल्स डिकेंस मिल सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। विक्टोरियन एज को पढ़ें और चार्ल्स डिकेंस को भूल जाएं, हो ही नहीं सकता। ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, विक्टोरियन एज के इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है। इट मीन्स ही इज कॉल्ड नाइनटीन्थ सेंचुरी रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, ठीक है। विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। इनका लाइफ स्पैन हम सभी देखें तो 1812 में इनका जन्म होता है और 1870 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इनका अंतिम नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में माना जाता है। इनका बायोग्राफिकल नावल डेविड कॉपर फील्ड माना जाता है, ठीक है। और मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड इनका इनकम्प्लीट है। तो इसके ऑप्शन आप सब भी करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चार्ल्स लैम्स पोएटिक ड्रामा जॉन वुडविल अ ट्रेजडी वॉज इनिशियली इंटाइटल, यानी प्रारंभ में इसका क्या नाम था। जॉन वुडविल बताएंगे इसको, ऑप्शन देख लें। प्राइड सिक्योर, एलिया, तीसरा ऑप्शन है द ओल्ड फैमिलियर फेसेज और चौथा है न्यू ईयर्स ईव। सबसे पहले फ्रेंड्स आप एलिया को देख लें, तो एलिया इनका पेन नेम था, इट वॉज पेन नेम और सूडोनिम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का सूडोनिम था। और आगे बढ़ते हैं तो एलिया इनका पेन नेम था, इटालियन क्लर्क से लिया गया था। और एसेज ऑफ एलिया जो कि कलेक्शन था एसेज का, ये पहली बार 1823 में लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है। और लास्ट एसेज ऑफ एलिया आफ्टर 10 ईयर्स 1833 में पब्लिश होता है। अब इस क्वेश्चन पर आएंगे तो जॉन वुडविल अ ट्रेजडी का सब टाइटल, या कह सकते हैं शुरुआत में इसको प्राइड सिक्योर नाम से इसको नाम दिया गया था, ठीक है। एलिया इनका पेन नेम है तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस के बारे में हम लोग जाने तो ये एक पोयम है,
ये एक पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है 1798 में लिखा गया था, जब चार्ल्स लैम्ब ने द ओल्ड फैमिलियर फेसेस लिखा था, उसी समय विलियम वॉर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरेज मिलके लिरिकल बैलेट को लेके आए थे। ठीक है, लिरिकल बैलेट 1798 माना जाता है ना पब्लिकेशन, तो 1798 में 23 पोएम्स का कलेक्शन था, 19 था वॉर्ड्सवर्थ का और 4 था एसटी कॉलरेज का। न्यू ईयर्स ईव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एसेज ऑफ इलिया में, इसको ध्यान रखिएगा, एसेज ऑफ इलिया में एक एसे था, एक एसे था 1823 में जो कि आया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन आकर, बताइएगा मिल्टन का कौन सा सोनेट है जो इस लाइन को लेता है। लाइन क्या है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी भगवान की सेवा करने का मौका पाते हैं जो खड़े होकर के सिर्फ भगवान की आज्ञा का, दे आर वेट, इंतजार कर रहे होते हैं। बताइएगा, ऑप्शन ले लें, पहला ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दूसरा ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है पैराडाइज रिगेन्ड और चौथा ऑप्शन ले लें लीसी दास। बताइएगा कौन से ऑप्शन को करेक्ट माना जाए। एवरीबडी नोज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही इसका आंसर होगा और ये अंतिम लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इटालियन सोनेट है। मिल्टन ने अपने सोनेट को 24 सोनेट इन्होंने टोटल लिखा है, तो मिल्टन ने 18 सोनेट इंग्लिश है और जो है 6 सोनेट इटालियन है, टोटल 24 सोनेट मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि ये इटालियन सोनेट को मिल्टन ने अपनाया। इटालियन सोनेट की जो टर्निंग पॉइंट ऑफ होता है उसको वोल्टा कहते हैं। नवा लाइन जो होता है, और वो अगर हम लोग पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट 1658 में लिखना शुरू किए थे, 1665 में कंप्लीट कर लिए थे, 1667 में 10 किताबों के साथ पब्लिश हुई थी और 1674 में ये 12 किताबों के साथ पब्लिश हुई थी। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसका पैराडाइज लॉस्ट का 7th बुक जो है वो शॉर्टेस्ट बुक है। आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट में एस और 7 में भी एस, तो सौ सौ या एस एस, 7 शॉर्टेस्ट और 9 बुक इनका लॉन्गेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट का। तो आई होप आपने इन बातों को समझ लिया होगा। पैराडाइज रिगेंड की तरफ चलें तो ये 1671 में पैराडाइज रिगेंड और पैराडाइज रिगेंड के साथ सैमसंग एगोनिस्ट आया था, जो कि जो है इसको 1671 में माना जाता है पब्लिश हुआ था। लीसी दास एक एलिजी है, 1637 में लिखा गया था एडवर्ड किंग की मृत्यु पर। ठीक है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर जो इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे, सभी बातों को आप नोट कर सकते हैं, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर 1637 में, और एडवर्ड किंग की मृत्यु अगर हम देखेंगे तो अगस्त में इनके मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु हो जाती है, अगस्त 37 में, 1637 में, और फिर ये एलिजी लिखते हैं। ठीक है, ये कैम्ब्रिज फ्रेंड थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन हिज सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, ये लाइन अपने किस सोनेट में कहते हैं, जॉन मिल्टन अपने किस सोनेट में कहते हैं। पहला
पहला ऑप्शन देख लें, फर्स्ट वाइफ, सेकंड ऑप्शन सेकंड वाइफ, थर्ड ऑप्शन थर्ड वाइफ और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर अपनी सेकंड वाइफ के मृत्यु पर ये लिखते हैं, और जिनका नाम था कैथेराइन, कैथेराइन उड कॉक, ठीक है, उड कॉक इनके दूसरी पत्नी का नाम था, जिनकी जो है ऊपर इन्होंने इस सोनेट को लिखा है। अब इनके प्रथम पत्नी की बात करते हैं, तो इनकी पहली जो है पत्नी का नाम क्या था बताएंगे, मारी पावेल था या मैरी पावेल, जो इनसे 17 साल छोटी थी। ये 34 वर्ष के थे और वो 17 वर्ष की थी। इन्होंने शादी कर ली और कब की, तो एज भी आप फ्रेंड्स देखें, 1642 में इन्होंने पहली शादी की, और जो है ये 1642 में पहली शादी करते हैं मैरी पावेल से, जो 34 वर्ष की थी, थे जब ये, तो वो 17 वर्ष की थी, जस्ट डबल का डिफरेंसेस था। ये शादी जो है इन्होंने, और इनकी जो मैरी पावेल है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है 5 मई, 5 मई को हो जाती है 1652 को, यानी कि समझ लीजिए आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद मैरी पावेल की मृत्यु हो जाती है 5 मई 1652 को। एक्चुअली मैरी पावेल के साथ इनकी शादी खुश नहीं थी, वो नाराज़ होके मायके चली गई थी, फिर आई, फिर ऐसे ऐसे तमाम कहानियाँ आपको इनकी बायोग्राफी में देखने को मिल जाएगी। और इनकी सेकंड वाइफ की बात करते हैं, तो 12 नवंबर 1656 को, यानी कि प्रथम पहली पत्नी के मृत्यु के जो है 4 वर्षों के बाद इन्होंने कैथेरीन उडकॉक से शादी की थी, ठीक है। तो आप डेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पत्नी से संबंधित जो सॉनेट इन्होंने लिखा है उसमें उससे रिलेटेड पूछता है। और तीसरी शादी इन्होंने 1663 में एलिजाबेथ मिनसूल से की थी, ठीक है। तो इनकी तीसरी पत्नी 1663 में, यानी आप देख लीजिए 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके इन्होंने लगभग कह सकते हैं आप 11 वर्षों के जो है, या 10 वर्षों के पहले इन्होंने एलिजाबेथ मिनसूल से शादी की थी। मिनसूल से शादी की थी। तो पहली पत्नी की बात करें तो मैरी पावेल, दूसरी पत्नी की बात करें तो कैथरीन उडकॉक, और तीसरी की बात करें तो एलिजाबेथ मिनसोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड वाइफ, नाम कैथेराइन उडकॉक। ब्याह कब हुआ था, तो 1656 में हुआ था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन हिज पोयम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री, बताइएगा मिल्टन ने अपने किस पोयम में पोएट्री से संबंधित व्यू दिया है। पहला ऑप्शन पैराडाइज लॉस्ट, ये इपिक है। दूसरा ऑप्शन 1671 में पैराडाइज रिगेंड लिखा गया था, और तीसरा ऑप्शन 1637 में लीसी दास लिखा गया था, और चौथा ऑप्शन 1671 में सैमसंग एगोनिस्ट भी लिखा गया था, और ये ग्रीक के सोफोकल्स के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये ट्रेजडी है, तो और ये क्लोजेड ड्रामा भी है, ठीक है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये लीसी दास इसका करेक्ट आंसर है, और लीसी दास में विलियम सॉरी जॉन मिल्टन ने अपने पोएट्री से संबंधित व्यू दिया है। 1608 में इनका जन्म होता है, 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम ब्लाइंड, एंड अगर समय की बात करें तो 1652, 1652 की वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी की भी मृत्यु होती है 1652 में, और 44 वर्ष की उम्र में। फिर देखिए इनकी जो है आँख भी 1652 में चली जाती है, ठीक है, 44 वर्ष की अवस्था में।
चूंकि मिल्टन कहते थे कि मैं कोई ऐसी रात नहीं हुई जब मैं 12 बजे मिडनाइट यानी रात 12 बजे के पहले मेरा लैंप बुझा हो, तो इनको ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी हो गई थी आँखों में, जिसको आज के समय में काला मोतिया के नाम से जानते हैं, जिसमें रेटिना डैमेज हो जाता है और ओवर वर्क यानी पढ़ते पढ़ते इनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई थी। आज के समय में कहा जाता है ना, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इसको मिल्टन से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे फ्रेंड्स। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ये क्वेश्चन कौन सा ऐसा लिटरेचर का एग्ज़ाम है जहाँ पूछे ना, फिर बच्चे इसको इंटरमीडिएट के भी पोएट्री में पढ़ते हैं और बच्चे इसको बीए में भी पढ़ते हैं इंग्लिश पोएट्री में, फिर एलटी ग्लेट के सेबस में। तो ये अलग से थॉमस ग्रे का ये पोयम दिया ही हुआ है, ये एलिजी है। ठीक है, एलिजी थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई, ठीक ना, और ये एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड जो है उसी की एक लाइन है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। प्लोमैन किसको कहा जा रहा है, वे चरवाहे जो अपने गायों को लेकर के मवेशियों को लेकर के घर की तरफ लौट रहे हैं। प्लॉट्स हिज वियरी वे, वियरी वे वो रास्ता चिंतित है कि वो थके हुए और चिंतित हैं। यस फ्रेंड्स, देखिए प्लोमैन थके हुए हैं ना, ना कि रास्ता थका हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर इपिथेट नाम की फिगर ऑफ स्पीच कही जाती है। ठीक है, जब एडजेक्टिव अपने स्थान से हट करके कहीं और ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर इपिथेट कहते हैं। इपिथेट मतलब उपाधि होता है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ। तो जैसे बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को उपाधि मिली है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब एडजेक्टिव अपना एक जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ से हट के कहीं और चला जाए, जैसे आई पास्ड माई स्लीपलेस नाइट, तो जो है मैं स्लीपलेस था कि रात स्लीपलेस थी, जाहिर सी बात है मैं बेचैन था। ठीक है, मैं बेचैन था, ना ही मेरा तकिया बेचैन था, ना ही मेरी रात बेचैन थी, तो बेचैनी मुझे थी ना कि मेरी रात को, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो है ट्रांसफर इपिथेट होता है। मेटाफर क्या होता है, किसी और चीज़ को कोई चीज़ कह देना। पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग को लिविंग बना देना। सिमिली में सो लाइक और एस का यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिल सकता है फिगर ऑफ स्पीच में। और हट करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके पढ़नी भी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है फ्रेंड्स, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला चीज़ अपनाएगा, मतलब इस संकट भरे समय में अपने जो है बेचैनी भरे दिन में निकाल के समय पढ़ेगा, अपने प्रॉब्लमेटिक लाइफ से भी समय निकाल के मोटिवेट रहेगा, वही बच्चा सिलेक्शन पाएगा। वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, एनीबडी कैन बी। ओके, तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, सिर्फ पढ़ते ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइक द दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। ये बहुत आसान है, मैं ये कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हर लिटरेचर के क्लास में एंटीथीसिस का एक न एक एग्जाम्पल आपको ज़रूर से ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि एंटीथीसिस फिगर्स ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच और पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि अपोजिट अपोजिट सीखे होते हैं बच्चे। तो इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि आपको एक न एक जो है एग्जाम्पल डेफिनेशन ज़रूर दिए जाएं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो इसी बात पे शेयर और लाइक कर दें। लाइक बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए आपकी तरह। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर बच्चों सिमिली नहीं हो रहा है, बच्चे लाइक को देख करके कर रहे होंगे ना, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखना होगा सिमिली नहीं है। इस लाइक को आप थोड़ा नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि यहाँ देखिए
पहला क्लॉज, दो क्लॉज भी तो दिया हुआ है, दो क्लॉज है, एक क्लॉज यहाँ है, दूसरा क्लॉज एंड से जुड़ रहा है, तो दो क्लॉज यहाँ दिया हुआ है। अब देखिएगा दोनों क्लॉज एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहे हैं, एक तरफ बोलना दूसरे तरफ करना, स्पीक और एक्ट, ठीक है। फिर देखिए सेंट और डेविल, ठीक, लाइक को फिर से आप भूल जाएं दो मिनट के लिए, क्लॉज है तो पहले क्लॉज में कह रहा है कि वे संत की तरह बोलते हैं लेकिन काम शैतान की तरह करते हैं, तो पहला क्लॉज दूसरे का अपोजिशन कर रहा है ना। जैसे अगर हम कहें स्पीच इज गोल्ड, ठीक है, साइलेंट इज सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर भी एक दूसरे के एंटी हो गए और स्पीच और साइलेंट भी हो गया, तो दो क्लॉज एक दूसरे के पोजीशन में हो गए। और देख सकते हैं आप मैन प्रपोजेज और गॉड डिस्पोजेज, तो पहला दूसरे का अपोजिशन है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर एंटीथीसिस है, अब बाकी क्यों नहीं है वो भी समझ लें। ऑक्सीमोरन में अगल बगल वर्ड होंगे, जैसे शी इज रेगुलरली इरेगुलर, तो यहाँ पर रेगुलरली इरेगुलर अगल बगल हैं। और देख लीजिए यू आर इनोसेंट क्रिमिनल, तो इनोसेंट क्रिमिनल दोनों अगल बगल हैं, दैट फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ओके, अब देखिए मेटाफर किसी चीज को कोई और की चीज कह देना, ऐसा है ही नहीं, कैमल इज द सिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस विच हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेल ऑफ प्यूरिटनिज्म, ये तो बहुत ही आसान पोयम है, एलिगरी है पिलग्रिम प्रोग्रेस, पहले ये जान लें और किसकी है, यही सीधे पूछा है, तो एलिगरी है, ठीक है। एलिगरी, एलिगरी क्या होता है, ये प्रोज और पोएट्री दोनों से संबंधित हो सकती है, ये पोयम में भी लिखी जा सकती है, प्रोज में भी। इसका मतलब होता है एम्बिग्यूटी, इसका मीन्स एक कहानी चलेगी और दूसरी तरफ आपका ध्यान जाएगा। जैसे अगर आप एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है तो आप एनिमल फार्म पढ़ते हैं, तो एनिमल फार्म में हम सभी को मिलता है रूस की क्रांति की झलक दिखाई देती है, भले ही सीधे सीधे मेंशन ना हो। सुअर के माध्यम से, पिग्स के माध्यम से कई नेता होते हैं बार्ड के, और उस नेता लोग जानवरों को अलग अलग कैटेगराइज में बांट करके काम करवाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस भी एक एलिगरी है, और ये जो है जॉन बनियान ने लिखा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जॉन ड्राइडन और जॉन बनियान के लाइफ स्पैन की। तो जॉन ड्राइडन की अगर हम सब बात करें फ्रेंड्स, तो जॉन ड्राइडन का समय 1631 से लेकर के 1700, ठीक है, 1631 से 1700 तक जॉन ड्राइडन ने अपना रेस्टोरेशन एज में, ये जो है ऑल फॉर लव इन्हीं का है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है जॉन ड्राइडन का, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर का है, उसी पर बेस्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही इज कॉल्ड मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन ड्राइडन, ओके। तो जॉन ड्राइडन को हीरोइक कपलेट का मास्टर माना जाता है रेस्टोरेशन एज में, ठीक है। अब चलते हैं जॉन बनियान पर। तो जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस एक एलिगरी है, और इनकी समय की बात करें तो 1628 से लेके 1688 इनका भी वही रेस्टोरेशन एज में, नियो क्लासिकल एज में लाइफ स्पैन माना जाता है, ठीक है। मिल्टन की बात करें तो 1608 से लेकर के 1674 तक मिल्टन का लाइफ स्पैन है, और ये शेक्सपियर के समय में भी देखिए 8 वर्ष के थे शेक्सपियर के समय में, अगर ये 1608 में जन्मे तो शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई, तो 8 वर्ष के थे शेक्सपियर के समय में, यानी कि रानी एलिजाबेथ आप देखते हैं 1603 में इनकी मृत्यु होती है, और 1603 से लेकर के 25 तक जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं, तो ये जेम्स फर्स्ट के समय को भी देखें। फिर उनके बेटे चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट इनके भी समय को ये देखते हैं, और चार्ल्स फर्स्ट 1625 से लेकर 1649 तक आते हैं। इन्हीं मिल्टन के समय में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर दिया गया था, और आप देख पा रहे हैं
कि मिल्टन भी प्यूरिटन का साथ दिए थे, आई मीन टू से पार्लियामेंट का साथ दिए थे। बाद में जब मोनार्की रीस्टोर हुई तो मिल्टन को इम्प्रीजमेंट कर दिया गया और क्षमा मांग लिया गया, है ना। और उसके पहले ओजवेल क्रॉमवेल इनको लैटिन सेक्रेटरी भी बना देते हैं। तमाम फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम सभी जानते रहेंगे। चलते हैं विलियम कॉन्ग्रेव पर। तो इनका भी, इनको तो कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए जाना जाता है, ये नेता माने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के रेस्टोरेशन एज में। ये 1670 में जन्म लेते हैं और 1729 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ड्राइडन वॉज द मास्टर ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन ड्राइडन। अभी आपको पता चला हीरोइक कपलेट के, हीरोइक कपलेट एम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ दो लाइन का पेयर होता है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम होती है, ठीक है। ए ए बी बी ऐसे करके चलेगा और एम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन का होता है, राइम रॉयल 7 लाइन का होता है जो कि जॉफरी चौसर ने इन्वेंट किया था, और फ्री वर्स में नो राइम नो मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। हुम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। बताइएगा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कहा गया है। सबसे पहले ये बताएं फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसको कहा गया है यह भी बताएं, और किसने कहा है यह तो बताएंगे ही क्योंकि यह प्रश्न में दिया है। बताइएगा, प्रीवियस क्लासेस को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को कंफर्म करने का प्रयास किया है ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चल पाएं। तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो अरिस्टोटल हैं, लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो जॉन ड्राइडन है, जिनको डॉक्टर जॉनसन ने, आई मीन टू से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिनका समय देखिएगा 1745 से लेकर 1798 तक ये आपका माना जाता है एज ऑफ ट्रांजिशनल या ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कॉफ़ी हाउस कल्चर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करेंगे, और आपका लाइक ही फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने का और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और फैक्ट ढूंढ के लाने का, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा कॉफ़ी हाउस कल्चर, इसको फ्रेंड्स ध्यान रखें रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड। अब देखिएगा नियो क्लासिकल पीरियड जो था 1660 से लेके 1798 तक टोटल था, इसमें बंटता है, इसको ऐसे देख लें 1660 से लेकर के 1798 तक टोटल नियो क्लासिकल है, ये तीन भागों में बटा है। पहला है रेस्टोरेशन पीरियड, इसका टाइम है 1660 से लेकर के 1700 तक, ठीक है। इसके बाद हम सभी का आता है रेस्टोरेशन पीरियड के बाद दूसरा आता है एज ऑफ एलेक्जेंडर पोप या ऑगस्टन एज, वो 1700 से लेकर के 1745 तक आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा आता है एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या ट्रांजिशनल पीरियड, ये 1745 से लेकर के 1798 तक है, ठीक है। तो ये नियो क्लासिकल एज बटता है, तो जिसमें अर्ली 18th सेंचुरी में, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में भी आया है, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में तो कभी भी आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा एज अर्ली 18th सेंचुरी में ये कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश हुआ था, और इसमें लोग कॉफ़ी हाउस जा कर के कॉफ़ी पीते थे और नावल और पत्रिकाएँ पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, पीरियाडिकल्स वगैरह शुरू हो गया था, ठीक है। 19th सेंचुरी नहीं, 17th भी नहीं, नन ऑफ दी अबव भी नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द नियो क्लासिकल एज इज ऑल्सो नोन एज, बताएं पहला एज ऑफ रिवाइवल, दूसरा द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर,
तीसरा द ऑगस्टन एज और चौथा ए एंड बी, बता ए एंड सी बताइएगा, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। देखें फ्रेंड्स, एज ऑफ रिवाइवल रेनेसेंस में माना जाता है कि, या रोमांटिक एज को भी एज ऑफ रिवाइवल मानते हैं, मतलब चीज़ों में जागृति आ जाना, चीज़ों में जागृति आने के बाद चेंजेस होना, जैसे रोमांटिक एज में, न्यू क्लासिकल एज के बाद लोग ये पुरानी धारणाएं छोड़कर नेचर की तरफ आने लगे थे, और उसके पहले रेनेसेंस की अगर हम बात करें तो रेनेसा में, रेनेसा ख़त्म होने के बाद न्यू क्लासिकल एज जब आता है तो लोग क्लासिसिज्म को, क्लासिकल एज को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। ये क्या था कि मतलब होमर को, ग्रीक को, चौसर को, ये सब लोगों को फॉलो करने का प्रयास किया गया, तो ना ये कुछ नया कर पाए ना या उन्हीं को अपना पाए, इसीलिए नियो मतलब नया क्लासिकल एज कहा जाता है। नियोलॉगिज्म एक शब्द है ना, नए शब्द का आविष्कार, दैट इज कॉल्ड नियोलॉगिज्म। तो नियो क्लासिकल एज को एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा गया, क्योंकि यहीं पर देखिए मार्क किपिक वगैरह, अलेक्जेंडर पोप का आया ऑगस्टन एज में, और फिर धीरे धीरे नावल वगैरह का भी चलन बढ़ने लगा, जो कि अपने चरम पर विक्टोरियन एज में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद पीरियाडिकल्स वगैरह भी आने लगे और बायोग्राफी भी लिखी जाने लगी। सबसे पहली जो है 52 पोएट की ऑथेंटिक बायोग्राफी मानी जाती है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा 52 पोएट्स की लिखे थे। ठीक है, तो ये कुछ जो है खास माना जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, नियो क्लासिकल एज, और इनको ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाट इज अ सिजोरा इन पोएट्री, पोएट्री में सिजोरा क्या था, क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है अ लाइन कंटेनिंग कंसोनेंस, दूसरा ऑप्शन अ पोयम रिटन इन ब्लैंक वर्स, तीसरा ऑप्शन अ पॉज इंडिकेटेड बाई कॉमा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बताएं। सिजोरा मीन्स आप ऐसे रखें पॉज, यानी पॉज यानी कॉमा सेमी कोलन कोलन डैश, ये सब पॉज कहलाता है। जब आप रुकते हैं थोड़ा सा अल्प विराम या जो है विराम इस तरह से आप करते हैं तो वह कहलाता है पॉज। तो अ कंटेनिंग लाइन कंसोनेंस, नहीं कंसोनेंस तो कंसोनेंस एक स्टाइल हो जाती है कंसोनेंट का, साउंड का रिपीटेशन। पोयम इन ब्लैंक वर्स भी नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा इंडिकेटेड बाई कॉमा, अ पॉज इंडिकेटेड बाई या कॉमा। ठीक है, सिजियोरा इसको याद से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड अगेन। ओके, चलिएगा, शेक्सपियर हैज़ इमोर्टलाइज्ड हिज लव फॉर हिज डैश कह रहा है इन हिज सोनेट, विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रेम को जो अमर है उसका इजहार किया है, उसको स्वीकार किया है अपने सोनेट में। तो क्या पत्नी के लिए, इनकी पत्नी का नाम था एना हाथवे, ठीक है, क्या उनकी बात हो रही है या डार्क लेडी की बात हो रही है या हैंडसम मैन की बात हो रही है कि नन ऑफ दीज, बताइएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो ये हैंडसम मैन है इनको उन्होंने मिस्टर WH कहा है, तो इन्होंने ये जो है बात की है डार्क लेडी की, जिनको मैरी फिटन नाम जो है जाना जाता है, और ये माना जाता है कि ये एक इटालियन डांसर थी। हैंडसम मैन के लिए मिस्टर WH आया है, और मिस्टर WH के सुंदरता की बड़ी तारीफ इन्होंने की है टू हिज लव सोनेट में, जो सोनेट नंबर 18 है, शैल आई कंपेयर टू दी द समर्स डे, तो यहाँ पर गर्मी के दिनों से उनकी जो है तुलना करने की बात करते हैं। फिर कहते हैं नहीं, वो तो एक बार धूमिल हो जाएगा लेकिन आपकी सुंदरता हमारी पंक्तियों में बरकरार रहेगी। ठीक है, मिस्टर WH को विलियम हर्बर्ट हेनरी रिट्सले या आर लव साउथ हैम्पटन बहुत सारे नाम से जाना जाता है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर, और फिर देख लिया जाए इनके सोनेट की हम सभी बात करते हैं। तो 154 सोनेट लिखा है, जिसमें से 1 से 126 डार्क हैंडसम मैन को जो है डेडिकेटेड है, 127 से लेकर के 152 आपका में जो डार्क लेडी को इंडिकेट है, और 153 154 लव गॉडेस क्यूपिड को दिया गया है, समर्पित किया गया है। और इनकी सोनेट में 3 क्वाट्रेन यानी 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा तो हो गए ना, क्वाट्रेन QUETRAIN मतलब 4 लाइन के 3 स्टेंजा 12 लाइन हो गए, और एक कपलेट जो कि 2 लाइन का है ये आपका 4 हो गया, कपलेट 2 लाइन का है तो ये आपका 1 और 2 लाइन तो 12 2 14 हो गया, 12 2 14 14 लाइन की एक सोनेट होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आ शेक्सपियर सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स, द फर्स्ट हैज़ डैश लाइन्स, द सेकेंड पार्ट द लाइन्स, मतलब सोनेट इनके 2 पार्ट में बटे हैं, पहले का क्या नाम, कितना स्टेंजा का मेजर है, दूसरे का क्या है, बताएंगे फ्रेंड्स 10-4, 8-6, 12-2, 6-8 बताइएगा। देखिएगा जो 10-4 है ये नहीं है, ठीक है, ये आपने देखा होगा ना 10.5 और 11 लाइन की एक सोनेट होती है जिसको कर्टल सोनेट कहते हैं, कर्टल सोनेट, ठीक है, ये 10.5 या 11 लाइन की एक सोनेट होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं 10-4 नहीं होगा, 8-6 की बात करें तो ये पेट्रार्कन सोनेट में है, पेट्रार्कन सोनेट में है, 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं, और विलियम शेक्सपियर का 3 स्टेंजा 4-4 लाइन का है तो 12 हो गए, और एक कपलेट 2 लाइन का 12-2 14 हो गए, और 6 और 8 उल्टा होता नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों हो सकता था ऑप्शन, ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट का। राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो देखिए अब्बा अब्बा आप ध्यान रखें, ए बी ए बी, ए बी बी ए, इसके बाद ए बी बी ए, सी डी ई या सी डी सी या डी सी डी, इस तरीके से है ये इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम, विलियम शेक्सपियर की है ए बी ए बी, इसके बाद बी सी, ए बी ए बी सी डी सी डी है, इसको ध्यान रखें ऐसे ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, तो ये आपका देख रहे 4-4 और ई एफ ई एफ भी 4 और 2 जी 14 हो गया। और स्पेंसर की बात करें तो यही राइमिंग स्कीम में इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो इनका होता है ए बी, इसके बाद होता है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई, ये इनका एडमंड स्पेंसर का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच टाइप, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच टाइप प्ले इज नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग, मतलब कौन सा ऐसा प्ले है जो एक्टिंग के लिए नहीं लिखा जाता, मास्क लिखा जाता है, विलियम शेक्सपियर का मास्क देखिए है, टेम्पेस्ट भी माना जाता है, और मिडसमर नाइट्स में भी थोड़ी सी सीन है, और जॉन मिल्टन का कोमस मास्क ही है, और ट्रेजी कॉमेडी भी परफॉर्म की जाती है, क्लोजेड ड्रामा परफॉर्म नहीं किया जाता, कॉमेडी परफॉर्म की जाती है, तो क्लोजेड ड्रामा अपना आंसर है, और ड्रामा टू बी रेड ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा में सैमसंग एगोनिस्ट जॉन मिल्टन का और थॉमस हार्डी का डायनेस्ट मिल जाएगा, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड मिल जाएगा, ये सब हम सभी का क्लोजेड ड्रामा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ डैश, तो कैसी स्पीच होती है, पोएटिक की, नॉवेल की, सटायरिकल की, लव, पोएटिक स्पीच होती है यूलिसीज, सभी बच्चों को ध्यान होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसीज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात कर लें टी एस एलियट के जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग तो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी पत्नी थी ना एलिजाबेथ ब्राउनिंग, तो
तो रॉबर्ट ब्राउनिंग मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माने जाते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये है क्या, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो पोएट होगा वो पोएट अपने कैरेक्टर में ना रह करके जिस कैरेक्टर से वो अपनी बात कहना चाहेगा वही बन जाएगा, और इसमें जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, और एक ना एक साइलेंट लिसनर होना चाहिए। TGT 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक साइलेंट लिसनर होना चाहिए और पोएट वही बन जाएगा। जैसे टेनिसन यूलिसीज लिखते हैं, लेकिन क्या टेनिसन अपनी बात कह रहे हैं? नहीं, वो यूलिसीज के किरदार में आ गए हैं और यूलिसीज बन के अपनी बात को कह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टाइल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट वॉज फेमस इन विक्टोरियन एज बाई विक्टोरियन पोएटिक रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, इनका देखिए प्रॉस पीके था, माई लास्ट डचेस तो सभी ने पढ़ा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द, बहुत आसान है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। विदाउट जॉफरी चौसर वी कैन नॉट रीड इंग्लिश लिटरेचर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड हिज ड्यूरेशन वॉज 1340 to 1400। ओके, 1400, और ये तीन राजाओं के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप देखते हैं, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी। ओके, चलेंगे, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने राइम रॉयल का आविष्कार किया, ठीक है, और लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में, द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में इन्होंने राइम रॉयल स्टेंजा का आविष्कार किया। ये क्या था फ्रेंड्स, तो ये सेवन लाइन्स स्टेंजा होता है, दैट इज कॉल्ड राइम रॉयल। ओके, ऑटवा रीमा आठ लाइन का होता है, एट लाइन स्टेंजा, और ऑटवा रीमा, और आपका ब्लैंक वर्स आप जानते हैं, विदाउट राइम बट विथ मीटर रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। सोनेट तो आप जानते हैं कि 14 लाइन का होता है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। चलेंगे, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा राइम रॉयल, ऑप्शन डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, लास्ट बट नॉट लिस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। क्वेश्चन सुनेंगे, द इटालियन नोवेला बिकम कॉमन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन आफ्टर द मिडिल ऑफ द, इटली का जो नावेला वर्ड है जिससे नावेल बना है, और नावेल्टी भी निकल के आता है शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और नावेल से छोटा, दैट इज कॉल्ड नावेला। तो यहाँ पर बताइएगा कि कौन सी सेंचुरी में ये जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ और कॉमन सा बन गया। अगर आप इसको बात करें विक्टोरियन एज में, तो विक्टोरियन एज का अगर ड्यूरेशन देखें तो 1798 से लेके 1837 तक आप देखते हैं कि ये रोमांटिक एज चलता है, लेकिन 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं तो 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज चलता है, उसके बाद आप देखते हैं मॉडर्न एज आ जाता है। तो आप देखिएगा विक्टोरियन एज में, इसके पहले 1832 में आप देखते हैं कि रिफॉर्म एक्ट आता है, बट आप यहाँ देखेंगे विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकेंस हो गए, थॉमस हार्डी हो गए, ये सब लोगों ने इसको बहुत पॉपुलर बना दिया था, और विक्टोरियन एज की सोसाइटी में क्या हो रहा था उसको दिखाया जाने लगा था। तो 14th सेंचुरी में तो ड्रामा ही पॉपुलर था, 14th और 15th सेंचुरी में, और 17th सेंचुरी की हम सभी बात करें तो यहाँ पे कॉमन की बात हो रही है। अब विक्टोरियन एज आप देखिए 1837 टू 1901, उस हिसाब से तो 19वीं सदी की बात चल रही है, तो अब ऑप्शन में नहीं है, यहाँ कॉमन शब्द लगाया है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिएगा 16th सेंचुरी की हम सभी बात करें तो रेनेसेंस एज की बात हो रही है, नोवेला एक इटालियन फॉर्म है जो कि आ गया था अपने मध्य समय पर, ओके, क्लाइमेक्स पर पहुंचा था
विक्टोरियन एज में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 20 क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इजी भी लगे होंगे। धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे फैक्ट्स को आपको समय समय पे कह सकते हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसको शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी और मेहनत करने की। तो इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य के साथ सुना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।